गुरुजी ऐसा था कि मेरी जो तलाक की डेट चल रही थी वो फाइनल डेट थी और मुझे पता नहीं था। मुझे बताया गया कि 14 तारीख की डेट है, मतलब आगे की, झूठ बोल करके कि मैं ना पहुँचूँ। और वो ऐसा होता कि वो उसको फिर मिल जाता, लेकिन मुझे किसी भी तरीके से, कैसे भी मान लो, ये भी मैं जिसके लिए कर वो कर रही हूँ साधना, या फिर उसकी वजह से कैसे भी करके, मेरे दिमाग में ये आया कि मैं चेक करूं कि भाई डेट क्या है क्या नहीं। तब मुझे पता चला कि वो डेट 14 नहीं 9 है। तब मैंने देखा कि अगर मैं इस डेट पर नहीं जाती तो मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाता, मेरे पैसे वैसे सब डूब जाते। तो मेरे को लगता है ये शायद इस शक्ति का ही वो है कि मेरे को पता चला किसी तरीके से कि ये डेट है और आप जाओ। गुरुजी जो घेरा लगाना है वो पूरा, मतलब मैं उसको, वो जो आपने बिछवाया है उसको अंदर कवर करके कर लूँ, क्योंकि मैंने उस पर सामान रखा हुआ है, फिर मेरे को बीच बीच में सामान की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मेरा हाथ घेरे के बाहर जाएगा। तो उसको अंदर करके कवर करके कर लूँ और कपड़े को थोड़ा पास खिसका लूँ। और कपूर भी, कपूर का डिब्बा भी साइड में रख दीजिए, ताकि आसानी से, मतलब राइट साइड में रखें, जहाँ की तरफ से आप आवती लगेंगी, जहाँ से आप दोनों लॉन्ग इलायची उठाएंगे वहीं पे कपूर भी रख दीजिए, ताकि आसानी हो निकालने में। जब आग थोड़ी सी लगे बुझने वाली, तो तुरंत उसमें कपूर डाल दें, उसके बाद मंत्र पढ़ के आवती लगाएं। इसमें कुछ सुहा लगाने की जरूरत नहीं, जब मंत्र के आगे में सुहा लगाया जाता है तो इसने इस्लामिक साधनों में नहीं होता है, सुहा लगाने की जरूरत नहीं है, बिना सुहा लगा के भी आरती हो जाती है।